हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने कल के सम्स जो है स्टडी किए रहेंगे। तो टुडे वी विल गो टू द सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ पेज नंबर 12। सो लास्ट ईयर दिस पोर्शन वाज ओमिटेड। ओके, जो दिस पोर्शन नहीं, एंगल इसका था, एंगल बाइसेक्टर का, बट पैरेलल लाइन के जो पोर्शन थे वो ओमिटेड थे। तो व्हाट वी विल डू, हम आज चारों सॉल्व एग्जांपल्स जो है चारों सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे एंड इफ पॉसिबल प्रैक्टिस सेट 1.2 भी स्टार्ट करेंगे। तो ऑल फोर क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। ओके, बिकॉज टू आर एक्टिविटी हमें कोई भी लेसन का छोड़ना नहीं है। सो मेक श्योर कि आप जितने भी एक्टिविटीज़ आपके बुक्स में है, टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में, प्रॉब्लम सेट में, हमें सब प्रैक्टिस करना है। तो लेट स्टार्ट। सो दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ पेज नंबर 12, लेसन नंबर सिमिलैरिटी। टुडे इज 21 फेब। फाइन, सो व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 1। इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। फाइन, डीई इज पैरेलल टू बीसी इफ DB is equal to 5.4 centimeter and AD is equal to 1.8 centimeter, EC is equal to 7.2 centimeter, then find AE. क्या ढूंढना है हमें? AE. तो दिस इज योर डायग्राम। आपको एक ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल का नाम ABC. दिस इज योर ट्रायंगल। फाइन, आपको और क्या बोला है? डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी को, एंड डी बी जो है दिस इज़ 5.4 सेंटीमीटर, ए डी 1.8 सेंटीमीटर, ई सी इज 7.2 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड ए ई। हमें ये ढूंढना है। फाइन, जो भी आपको यहाँ दिया है एज इट इज़ आपने आंसर में उतारना है। ऑलवेज रिमेंबर टू राइट गिवन एंड टू फाइंड, उसके बाद आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। दिस थिंग यू हैव टू ऑलवेज डू, भले आपको कहीं दिया हो या नहीं दिया हो। सो वॉट इज गिवन राइट ओवर देयर, सेम एज इट इज गिवन इन क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी बी इक्वल 5.4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल 1.8 सेंटीमीटर and EC is equal 7.2 centimeter. You have to find AE. Now what we will do, हमने जो first theorem पढ़ा था BPT, that is basic proportionality theorem, उसमें हमें क्या मालूम है? AD upon DB is equal to AE upon EC. बराबर है? तो यही हम proportion में लिखेंगे and we will cross multiply and we will get what AE. हमें answer मिल जाएगा। तो solution start करेंगे। राइट, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, दैट मीन्स द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ रीज़न क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। फाइन, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ए डी इज 1.8, डी बी इज 5.4 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी 7.2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? ए ई इक्वल 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। नाउ 18 के टेबल में 18 थ्रीजा इज 54, तो हम इसको वैसे ही कट करेंगे। 3 विल बी 5.4। फाइन, अब 3 से आप 7.2 को डिवाइड करो, 3 2 6, 1 आ गया, पॉइंट डालो, ये 2 नीचे लाओ, 3 4 12, क्या मिला हमें आंसर? 2.4। फाइन, गॉट इट? कैसे किया है हमने? सो देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, ये बहुत नेसेसरी है। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखोगे, यू विल नॉट, आपका यहाँ हाफ मार्क कट हो जाएगा।
यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, और ये सब अगर आते हैं तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ विल प्रोसीड टू एग्जाम्पल 2. नाउ व्हाट इज गिवन इन एग्जाम्पल 2? इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट RS bisects एंगल R. सेगमेंट RS क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल R को. इफ PR इज इक्वल टू 15, RQ इक्वल टू 20 एंड PS इक्वल टू 12, देन फाइंड SQ. तो व्हाट इज योर डायग्राम? आपको ट्रायंगल क्या दिया है? ट्रायंगल PQR दिया है. लाइक दिस वे योर डायग्राम इज ए PQR एंड RS इज द बाइसेक्टर. तो मतलब ये दो एंगल इक्वल है. PRS इज इक्वल टू QRS. ओके, एंड व्हाट इज गिवन? PR आपको दिया है 15, RQ दिया है आपको 20 एंड PS इज व्हाट? 12. यू हैव टू फाइंड QSQ. ये आपको ढूंढना है. सो अगेन, जो आपको गिवन क्वेश्चन में है एज इट इज़ आपने वैसे कॉपी कर देना है एंड फाइंड भी लिख देना है. फाइन, गिवन इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट RS bisects एंगल R एंड PR इक्वल 15, RQ इक्वल 20, PS इक्वल 12, टू फाइंड SQ. फाइन, तो विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. जो वापस लिखा है वो लिख दो. इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट RS bisects एंगल R. इफ इट bisect द एंगल R, हमने एंगल bisector थ्योरम जब किया था हमने देखा था, क्या देखा था? PR अपॉन RQ विल बी इक्वल टू PS अपॉन SQ. आपको हमेशा देखना है ये जो अपोजिट साइड है, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू जो bisector, जहाँ एंगल आके bisect करता है वो लाइन को, हाँ, दिस अपॉन दिस हो जाएगा. तो देयरफॉर PR अपॉन RQ इज इक्वल टू PS अपॉन SQ. यहाँ आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल bisector थ्योरम लिख सकते हो, या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल bisector, एनीथिंग. एंगल bisector थ्योरम भी लिख सकते हो या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल bisector. फाइन, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. देयरफॉर PR इज 15, RQ इज 20, इक्वल टू 12 अपॉन SQ. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आ जाएगा देयरफॉर SQ इक्वल 12 अप इनटू 20 अपॉन 15. फाइन, नाउ 3 4 12, 3 5 15. ओके, और 5 1 5, 5 4 20. तो आपको SQ क्या मिल गया? SQ इक्वल 4 × 4, देयरफॉर SQ इक्वल 16. नाउ यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया है, मीटर नहीं दिया है, आप यहाँ यूनिट लिख सकते हो. योर सम इज सॉल्व. फाइन, इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों को? नाउ विल गो टू एक्टिविटी. पहला जो एक्टिविटी आपको दिया है, क्या बोला है? इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. ठीक है, क्या है? ए बी लाइन है, ये पैरेलल है सी डी को, और सी डी जो लाइन है वो पैरेलल है ई एफ को. तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. फाइन, ए बी सी डी एंड ई एफ. नाउ उनके ट्रांसवर्सल है लाइक दिस वे. आपको ए सी दिया है 5.4, सी ई दिया है 9 एंड बी डी दिया है आपको 7.5. यू हैव टू फाइंड डी एफ, दिस यू हैव टू फाइंड. ओके, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं. इफ ए सी इज इक्वल टू 5.4, सी ई इज इक्वल टू 9
and BD equal to 7.5, then find DF. नो अभी एक्टिविटी में आपको कुछ गिवन वगैरह नहीं, जैसे ऐसे बॉक्स को आपको फिल करना है वही ध्यान देना है. सॉल्यूशन ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ. क्या दिया है, ए सी अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन डी एफ एंड रीज़न हमें लिखना है. तो क्या आएगा, ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ. सो रीज़न क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल, दिस इज योर रीज़न. प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, सॉरी. Okay, this you have to write. Now you are going to substitute the value. It is given 5.4 upon 9 is equal to dash upon df. Kya hai? BD kitna hai? 7.5. And therefore, df is equal to dash. To ye jo working hai, aapko side mein, matlab board mein aap last jo page hota hai, usar working likhe aapko working karna rata hai. To ye working aap piche kar lena, to kya hoga yahan? मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, मैं आपको यहाँ वर्किंग करके दिखा रही हूँ. डी एफ विल बी इक्वल टू 7.5 इंटू 9 अपॉन 5.4. ठीक है, जैसे कि आपको पता है 9 के टेबल में 9 सिक्स जाए 54, अगर ये 5.4 है तो ये हो जाएगा 0.6. फाइन. ना ये दोनों डेसिमल में है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर तो हमें क्या मिल जाता है, डी एफ इज इक्वल टू 75/6. अब 75 को आप 6 से डिवाइड करो, 6 वन ज़ा 6 वन 5, 6 टू ज़ा 12, 15 माइनस 12 इज 3. पॉइंट डालो यहाँ, 0 लो, 6 5 ज़ा इज 30. योर आंसर इज 12.5. दिस वे यू हैव टू डू. ओके, तो हमें आंसर क्या मिला, डी एफ इज 12.5. हैव यू अंडरस्टैंड दिस. चले हम नेक्स्ट सम में, जो आपका एक्टिविटी टू है. आज हम ना पेज नंबर 13, जो भी है 13 में से फर्स्ट क्वेश्चन में से भी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो जो तीनों फिगर्स दिए हैं उसमें से वो एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं. एंड सेकेंड क्वेश्चन आज इतना हम पेज नंबर 13 तक कम्प्लीट करेंगे. ओके, नाउ विल गो टू एक्टिविटी टू. योर एक्टिविटी टू में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी. ओके, आपका ट्रायंगल है लाइक दिस, योर ट्रायंगल इज ए बी सी और बी डी जो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को लाइक दिस वे, ये डी आ जाएगा. ओके, एंड डी इज़ इन बिटवीन ए एंड सी साइड, और एक यहाँ है आपको डी ई पैरेलल टू बी सी भी दिया है, साइड डी ई एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, साइड बी सी एंड ई ए ई बी जो है एक ही लाइन में कोलिनियर है. देन यू हैव टू प्रूव ए बी अपॉन बी सी equal to AE upon EB, you have to prove this. Okay, activity है, proof में क्या दिया है, in triangle ABC, ray जो है कौन सा ray, BD, वो क्या कर रहा है, bisects कर रहा है angle B को. Fine, तो वो हिसाब से angle bisector के हिसाब से AB upon BC, AB upon BC इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी. देखो आपने जो साइड पहले लेते हो उसी का प्रोपोर्शन लेना है. अगर आप ए बी अपॉन बी सी लिख रहे हो और उसके बाद लिख रहे हो डी सी अपॉन ए डी, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेक्ट नहीं आएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो जो साइड लेते हो उसके सामने का ही आपको बाइसेक्ट साइड लेना है. लाइक ए बी लिया तो मैंने यहाँ ए डी लिखूंगी अपॉन डी सी. दिस आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा.
इसको वन दे देंगे, यहाँ रीज़न आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फाइन, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी और क्या बोला गया है, डीई साइड जो है वो किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है। डीई साइड किसको पैरेलल है, बीसी को। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, एई अपॉन ईबी विल बी इक्वल टू एडी अपॉन डीसी, रीजन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देयरफॉर एई अपॉन ईबी इक्वल एडी अपॉन डीसी, यहाँ रीजन आ जाएगा सेकंड में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फाइन, दिस इज, आपको ये बॉक्स फिल करना है। नाउ इफ यू नोटिस दिस, फर्स्ट में हमने बोला ए बी अपॉन बी सी किसको इक्वल है, ए डी अपॉन डी सी को, और दूसरे में हम बोल रहे हो ए ई अपॉन ई बी इक्वल है ए डी अपॉन डी सी, दोनों में कॉमन क्या है, ए डी अपॉन डी सी। इफ ये ए डी अपॉन डी सी इसको भी इक्वल है और ए डी अपॉन डी सी इसको भी इक्वल, दैट मीन्स ये दोनों भी दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा जो थियरम है वो सॉरी एक्टिविटी को प्रूव हो जाता है। लिखेंगे देयरफॉर ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, यहाँ फ्रॉम वन एंड टू। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों को। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। यू हैव टू प्रूव कि आपको बताना है कौन सा बाइसेक्टर है या नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, हम डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम सम स्टार्ट करेंगे। नो फर्स्ट फिगर जो है वो आपको इस तरीके से दिया हुआ है, पी क्यू आर एम, दिस इज 3.5, दिस इज 1.5, 7 एंड 3। सो स्टार्ट कर देते हैं, पी क्यू इक्वल 7, पी आर इक्वल 3, क्यू एम इक्वल 3.5 एंड आर एम इक्वल या एम आर इक्वल 1.5, ये आपको क्या दिया है, गिवन है, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर ये किसको इक्वल है, पी क्यू इज 7, पी आर इज 3, ठीक है, इसको आप 1 दे दो। देन क्यू एम अपॉन एम आर लेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर दैट इज़ इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.5, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, ये किसको जाएगा, 35 अपॉन 15 हो जाएगा। इफ़ यू सी ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, आपको 7.3 मिला, इसको आप 2 दे दो। अगर आप 1 और 2 देखो, दोनों के जो रेशियोज़ है वो सेम आए, मतलब क्या है, ये पी एम क्या है, उसका एंगल बाइसेक्टर है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। सो देयरफॉर अगर ये ऐसा है तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, रे पी एम जो है बाइसेक्ट क्या कर रहा है, एंगल क्यू पी आर को या एंगल पी को, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। आया समझ में, ऐसे ही हमें सेकंड और थर्ड भी करना है। ओके, कर लेते हैं फटाफट। सेकंड फिगर में अगेन आपको सेम ही ट्रायंगल है सब जगह, सॉरी थोड़ा फिगर में ये प्रॉब्लम आ गया, पी क्यू आर एम, दिस इज 7, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10। हम लिख लेंगे जो भी है, पी क्यू इक्वल 10, फाइन, पी आर इक्वल 7, एम पी या पी एम जो भी है, सॉरी एम पी नहीं, आर एम इक्वल 6 एंड
एम क्यू इक्वल 8। ये आपको क्या है, ये आपको अगेन दिया हुआ है। देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू, पी क्यू क्या है गाइस, 10 है ना, मैंने यहाँ लिखा ही है। पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू 10 अपॉन वॉट 7। इसको आप 1 दे दो। सी एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर है, कोई टेबल में जा नहीं रहे हैं। अब पी क्यू साइड लिया तो यहाँ मैं क्या लूँगी, एम क्यू लूँगी। एंड एम क्यू अपॉन आर एम इज इक्वल टू 8 अपॉन 6। अगर इसको मैं डिजोल्व करती हूँ ये क्या मिल जाएगा मुझे, 2 4 8 2 3 6 है ना, इक्वल टू 4/3 मिल जाएगा, दैट इज़ 2। अगर आप दोनों को देखो, दोनों का रेशियो मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। देयरफॉर हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू एम क्यू अपॉन आर एम, देयरफॉर रे पी एम इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर क्यू। आया समझ में? नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर दिस इज एन, दिस इज 4, 3.6 10 and 9। जो दिया है लिख लो, पी क्यू इज 9, पी आर इक्वल टू 10, एम आर इक्वल टू 4 एंड एम क्यू इक्वल टू 3.6। ये आपको दिया हुआ है। देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू 9/10। इसको 1 दे दो। दूसरा आ जाएगा, पी क्यू लिया है तो क्या आएगा, एम क्यू आएगा या क्यू एम आएगा, एम क्यू अपॉन एम आर इज इक्वल टू 3.6/4। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल चला जाएगा, और 4 × 10 कर दिया हमने, इट विल बिकम 36/40। 4 9 = 4 10 = आपको क्या मिल गया, 9/10। या इसको आप 2 दे दो। तो अगर आप देखो यहाँ, हाँ, इन ट्रायंगल क्यू पी आर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम आर फ्रॉम 1 and 2। फाइन, सो देयरफॉर रे पी एम क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू पी आर। आया इतना पार्ट समझ में? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, और हम यहाँ स्टॉप करेंगे। फाइन, इट्स ऑल्सो वेरी इजी, यू हैव टू स्टेट वेदर की दैट लाइन वो पैरेलल है कि नहीं है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। ये सब सब जब सम जो है आएंगे तो आपको 2 marks के लिए ही आएंगे, इससे ऊपर नहीं है इसका कुछ। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इक्वल टू 25, पी आर इक्वल 20 एंड एन आर इज इक्वल टू 8। यू हैव टू प्रूव स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू एंड विथ रीजन, यू हैव टू गिव रीजन। पी एम इज 15, पी आर जो है, पी आर पूरा पूरा पी आर आपको क्या है, ये 20 दिया हुआ है, एन आर 8 दिया हुआ है, एंड यर ऑल्सो पी क्यू पूरा आपको कितना दिया हुआ है, 25। आपको एम क्यू नहीं है और पी आर नहीं है, ठीक है। पहले तो हम वही ढूंढ लेंगे, जो भी गिवन है प्लीज़ राइट दिस। गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इक्वल 15, पी क्यू इक्वल 25, पी आर इक्वल 20 एंड एन आर इक्वल 8।
ओके टू प्रूव लाइन एन एम पैरेलल टू साइड आर क्यू. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने लिख देते हैं पी एम इक्वल 15, पी क्यू इक्वल 25, पी आर इक्वल 20 एंड एन आर इज इक्वल टू 8. दिस इज ऑल गिवन टू यू ऑल. फाइन. सो पी आर पी क्यू इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू. वाई एम इज इन बिटवीन पी एन क्यू. सो पी क्यू क्या है आपके पास 25 है इक्वल 15 प्लस एम क्यू. देयरफॉर एम क्यू इक्वल 25 माइनस 15 देयरफॉर एम क्यू इक्वल 10. आपको एम क्यू क्या मिल गया 10. ऐसे हम पी आर का पी एन का भी फाइंड करेंगे. पी आर इक्वल पी एन प्लस एन आर. रीजन एन इज इन बिटवीन पी एन आर. फाइन. सो देयरफॉर पी आर क्या है 20 है प्लस 20 इक्वल देयरफॉर 20 इक्वल पी एन प्लस 8 देयरफॉर पी एन इक्वल 20 माइनस 8 देयरफॉर पी एन इज इक्वल टू 12. इतना पार्ट क्लियर हमें सब मिल गया. अब हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन में लिखेंगे पी एन अपॉन एन आर. पी एन क्या है 12, एन आर क्या है 8. दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 के. 4 थ्री ज़ा 12, 4 टू ज़ा 8. आपको रेशियो मिल गया 3/2. इसको 1 दे दो. वैसे ही उस साइड का भी लेंगे पी एम अपॉन एम क्यू. पी एम हमें है 15 और एम क्यू क्या मिला है हमें 10. ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10. अगेन यहाँ हमें 3/2 प्रोपोर्शन में आया है. सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू फ्रॉम 1 and 2. तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या है, अगर ये साइड प्रपोर्शन में तो दैट मीन्स वो लाइन क्या है पैरेलल है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय रीज़न है ये लिखना पड़ेगा. और ये सम अगर आता है तो 3 mark के लिए आएगा. बाय कन्वर्स ऑफ, प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ को नज़रअंदाज करिए. कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनिटी थियरम लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू. ओके. सो आज हमने पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13 किया है. अब कल हम आगे का सॉल्व करेंगे. इसमें के जितने भी इम्पोर्टेंस है वी विल सॉल्व दिस. ओके, प्लीज़ स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. होप यू आर डूइंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.